सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और इस साल चैत्र नवरात्रि पर 30 साल के बाद सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बनने जा रहा है। तो इस वर्ष नवरात्रि बहुत खास है और शुभ विधि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माता रानी सर्वार्थ और सफल फल देती है। माता रानी मनचाही इच्छा का वरदान देती है। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रि पूजा विधि, घट स्थापना मुहूर्त और पूजा किस तरह से करनी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस साल चैत्र नवरात्रि पर 30 सालों के बाद सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बनने जा रहा है, जो कि अत्यंत शुभकारी है। और इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्ट दुखों से मुक्ति मिलती है और धन धान के भंडार भर जाते हैं। नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अगर मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो तो यह सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग कहलाता है। और इस बार चैत्र नवरात्रि पर बन रहा यह संयोग बहुत ही अद्भुत माना जा रहा है। लगभग 30 सालों के बाद बन रहे इस योग के संबंध में अथर्ववेद में बताया गया है कि अश्विनी नक्षत्र के दौरान माता रानी की आराधना करने से मृत्यु तुल्य कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अश्विनी नक्षत्र 9 अप्रैल को 8:09 पर प्रारंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:55 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात्रि 9:44 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसीलिए 9 अप्रैल को ही नवरात्रि की घट स्थापना है। साधक सुविधा के अनुसार घट स्थापना कर माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आइए आगे जान लेते हैं माँ दुर्गा की घट स्थापना पूजा विधि क्या है, किस तरह से पूजा करें। नवरात्रि के दिन साधक को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। माँ दुर्गा का ध्यान करें। माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को सामने रखकर लाल पाटे पर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर माता रानी की मूर्ति रखकर चुनरी उड़ाकर माता को और माता की आराधना करें। इसके पश्चात एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोना चाहिए, जिसे आप जौ की खेती बोलते हैं, जिसमें प्रतिदिन उचित मात्रा में जल का छिड़काव करते रहना होगा पूरे 9 दिनों तक। मंगल कलश में गंगा जल सिक्का आदि डालकर उसे शुभ मुहूर्त में आम्र पल्लव और श्रीफल रखकर स्थापित करें। आम्र पल्लव आम के पत्तों के साथ उस गले के जो आप पात्र लेंगे मिट्टी का जो घड़ा बोलते हैं, उसके ऊपर आपको पहले आम के पत्ते रखने हैं, उसमें फिर श्रीफल नारियल रखना है। फल फूल आदि को अर्पित करते हुए देवी का विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करें। माता रानी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसीलिए माता रानी के पूजा में लाल पुष्प का प्रयोग अवश्य करें। अष्टमी या नवमी के दिन जिस तरह के आपके यहाँ प्रचलन हो, किसी किसी के यहाँ अष्टमी में 9 देवियों का 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है, तो किसी के यहाँ नवमी के दिन जैसा आपके यहाँ होता है उस हिसाब से अष्टमी या नवमी दोनों ही दिन आप 9 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें चूड़ी दें उपहार में और
पूड़ी चना हलवा आदि का प्रसाद खिलाकर कुछ दान दक्षिणा देकर विदा करें। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात देवी दुर्गा की आरती गाएं और पूजा की समाप्ति के बाद कलश को किसी पवित्र स्थान पर नदी आदि में विसर्जित करें और माता रानी की आराधना करें। जो कलश में जल होता है उससे पूरे घर में छिड़काव करें ताकि आपका घर का वातावरण शुद्ध हो जाए और माता रानी का वास हमेशा आपके घर में रहे, आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसीलिए नवरात्रि में इस तरह से विधि विधान से पूजा करें। और माना यह भी जा रहा है इस वर्ष माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। हाथी ज्ञान सुख समृद्धि उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है और हाथी का संबंध विघ्नहर्ता गणेश महालक्ष्मी जी से भी है। इस कारण पूरे वर्ष शुभ और मांगलिक कार्यों के साथ ही पर्याप्त वर्षा भी होगी, इस तरह का योग बन रहा है नवरात्रि में। और जो भी भक्तगण इस पूरे विधि विधान के अनुसार माता रानी की पूजा अर्चना करेगा उसकी माता रानी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता दी। कलश स्थापना किस तरह से करनी है, उसके लिए सबसे पहले मिट्टी का चौड़ा बर्तन लेना है, उसमें साफ स्वच्छ स्थान से मिट्टी लें, फिर उस मिट्टी में 7 तरह का अनाज बोएं। किसी किसी के यहाँ जौ भी होते हैं, जिस तरह का आपके यहाँ होता है, बाकी जौ अनाज सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके पर्याप्त बाद इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालें और कलश में जल भरकर उसके चारों तरफ मोली बांध लें। नारियल को अक्षत सहित लाल कपड़े में लपेट लें और चारों तरफ उसके ऊपर भी मोली बांध लें। उसके बाद कलश पर वो लपेटा हुआ जो नारियल है वो कलश के ऊपर रखना है। कलश के मुख पर जो आम के पत्ते मैंने बताए थे वो आम के पत्ते रखने हैं और घट स्थापना की प्रक्रिया में माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में आपको जय माता दी का ध्यान मन ही मन गुनगुनाते रहना है। तो इस तरह से पूजा विधि घट स्थापना नवरात्रि में आप कर सकते हैं। सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं इनको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी आपको मिल सके और हमारा मनोबल बढ़े।